तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर की स्टडी करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके दिमाग में जो भी कोई टेंशन हो, प्लीज़ उसको आप एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि केमिकल्स या केमिस्ट्री के नाम से कुछ बच्चे घबराने लगते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप केवल सीखने की कोशिश कीजिए और याद रखने की कोशिश मत कीजिए। आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको टेंशन होगी, आप केवल सीखिए। और वीडियो के लास्ट में आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप केवल क्रिएटिव होकर केवल इस चैप्टर को सीखें, समझें क्या चल रहा है। तो फ्री माइंड होकर बैठें, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है एक तरफ रिएक्टेंट्स, और फिर ये एरो, और फिर लिखा है प्रोसेस, और यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। जैसा कि आपको इससे पता कुछ आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ कुछ रिएक्टेंट्स होंगे, फिर उन पर कुछ प्रोसेस होगा, तो आपको रिजल्ट की फॉर्म में कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जी बिल्कुल सही सोचा है आपने। तो देखिए, इस चैप्टर की स्टडी करने के लिए हम इस चैप्टर में ही सीखेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोसेस या प्रोसेसेस क्या होते हैं, या प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आइस, आप जानते हो आइस क्या होती है। हमने एक आइस का एक पीस लिया और उस पर एक प्रोसेस किया, उसको हीट देकर उसको मेल्ट करने की कोशिश करी। तो जब हम उसको हीट देंगे तो आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, ये सब लोग जानते हैं, है ना। तो ये एक प्रोसेस हुआ, ये एक रिएक्शन हुई। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या कि आइस कन्वर्ट हो गई वाटर में। तो आइस के ऊपर प्रोसेस हुआ तो आइस तो कहलाएगी रिएक्टेंट, और प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आया वाटर की फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। देखिए, यहाँ मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इसलिए लिखा है क्योंकि रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स मतलब एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट सिंगल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में आपने देखा कि आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, ठीक है। अब हम इस पर ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब ये प्रोसेस हुआ तो क्या क्या चेंजेस आए इसमें, देखते हैं क्या चेंज आया। देखिए, आप जानते हो आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में होती है, और जो प्रोसेस के बाद में वाटर में कन्वर्ट हो गई, वो वाटर होता लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में। तो आपने देखा कि सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, तो हमने देखा कि इस प्रोसेस में फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें इनके केमिकल स्ट्रक्चर की, तो आइस का मॉलिकुलर फार्मूला होता है H2O, और वाटर का भी H2O। तो यहाँ हम देखते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। प्रोसेस से पहले भी वाटर था यानी H2O था, और प्रोसेस के बाद भी वाटर यानी H2O ही रहा। इसी तरीके से अगर आप वाटर को और हीट दे देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, लेकिन वेपर का भी मॉलिकुलर फार्मूला H2O ही रहेगा। तो इस प्रोसेस में फिजिकल स्टेट तो चेंज होती है लेकिन केमिकल फॉर्मेशन चेंज नहीं होती। अब आइए एक और प्रोसेस पर बात करते हैं। देखिए, ये एक और प्रोसेस है, इसमें देखिएगा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, है ना। और प्लस का मतलब ये है कि इन दोनों को हमने मिक्स किया या इन दोनों को आपस में कंबाइन किया, है ना। और जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस का जो रिजल्ट आया वो H2O की फॉर्म में, मतलब वाटर की फॉर्म में आया। तो ये भी एक प्रोसेस है, और जो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने की वजह से होता है। तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि क्या-क्या चेंजेस आए। देखिए, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होती है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में होती है, जबकि वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान फिजिकल स्टेट में चेंज आया है, जैसा कि पीछे आया था, यहाँ भी आया है। और क्या चेंज आया? देखिए, यहाँ एक ऐसा चेंज आया है जो कि पीछे वाले प्रोसेस में नहीं हुआ था। यहाँ देखिएगा, केमिकल स्ट्रक्चर बदल गया। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन गैस नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन गैस है और यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन गैस नहीं है। तो हम कहेंगे कि रिएक्शन से पहले या प्रोसेस से पहले जो सब्सटेंसेस थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो प्रोसेस के बाद एलिमिनेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं, जबकि प्रोसेस के बाद में एक नया सब्सटेंस वाटर बन जाता है। तो इस प्रोसेस में ये हुआ कि केमिकल फॉर्मेशंस चेंज हो गई और नया या नए सब्सटेंसेस बन गए। ठीक है ना? अब देखिए, कुछ एक चेंज और आता है इसमें। जब केमिकल स्ट्रक्चर बदलता है या न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं या बनता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे देखिए, प्रोसेस से पहले ये दोनों जो रिएक्टेंट्स थे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हाइड्रोजन, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है, ये बहुत जल्दी से जलता है, बहुत अच्छे से जलता है ना, और इसको फ्यूल की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिलहाल तो ये रॉकेट में फ्यूल की तरह यूज़ होता है। और ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये हेल्प करती है हमारे रेस्पिरेशन में, और ये हेल्प करती है किसी भी चीज़ की बर्निंग में या किसी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है, जबकि वाटर बुझाने में हेल्प करता है। इसको हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जबकि वाटर को हम पी सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टीज़ बदल गई। और ये प्रॉपर्टीज़ क्यों बदली? क्योंकि इनके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया, इट मींस न्यू सब्सटेंस बन गया। तो पिछले प्रोसेस में और इस प्रोसेस में यही एक चेंज है या यही एक डिफरेंस है कि इसमें जो नीचे वाला ये जो प्रोसेस है, इसमें न्यू सब्सटेंसेस या न्यू सब्सटेंस बनता है, जबकि ऊपर वाले प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। तो इस प्रोसेस को हम फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। इसी तरीके से हम एक और प्रोसेस लेते हैं। यहाँ देखिए, ये सोडियम है, ये क्लोरीन गैस है, और ये NaCl सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, जिसको हम खा भी सकते हैं, खाते हैं। ये देखिए, सोडियम एक मेटल है और जो कि ओपन एनवायरनमेंट में जल जाता है, आग पकड़ लेता है, जबकि क्लोरीन गैस आप जानते ही हो। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी देखिए चेंज आ रहा है, इसको हम खा नहीं सकते, इसको भी हम खा नहीं सकते या पी नहीं सकते, जबकि NaCl को हम खा सकते हैं। तो यहाँ भी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया, मींस न्यू सब्सटेंस बन गया। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि प्रोसेस या प्रोसेसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि आपने एग्जांपल देखा था कि आइस को मेल्ट करने पर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि केमिकल प्रोसेस आपने देखे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, या सोडियम और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन होती है तो वो सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, आइए इसको आप डिटेल में समझ लेते हैं। ये देखिए, फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज,
मीन्स सब्सटेंस कभी नहीं बदलते, जबकि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, सब्सटेंस इज चेंज्ड या सब्सटेंसेस आर चेंज्ड, नए सब्सटेंसेस बनते हैं और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज्ड, जबकि फिजिकल चेंजेस में या फिजिकल प्रोसेस में रिएक्टेंट की या रिएक्टेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, जबकि केमिकल प्रोसेस में केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। देखिए नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के, जो कि एग्जाम या एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए आप इनकी भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। देखिए एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस हैं कटिंग ऑफ वुड और पेपर। अगर हम किसी पेपर को या वुड को कट करते हैं या कटिंग करते हैं तो ये एक फिजिकल प्रोसेस कहलाता है, जबकि बॉइलिंग ऑफ वाटर भी एक फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस जैसे कि आपने ऊपर देखा एग्जाम्पल में वो भी एक फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी एक फिजिकल चेंज है। इन सारे चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते, जबकि केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। कुकिंग ऑफ फूड, जब फूड मम्मी मम्मीज वगैरह जो होती हैं वो किचन में फूड बनाती हैं, तो जो कुकिंग ऑफ फूड है ये भी एक प्रोसेस है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें उसका केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे मान लीजिएगा आप एग को बॉईल करते हो, एग को उबालते हो, तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है ना। ऐसे ही डाइजेशन ऑफ फूड यानी फूड का हमारी बॉडी में जाकर पच जाना, डाइजेस्ट हो जाना, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स की वॉल से होती हुई हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, फिर ब्लड में हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके हमारी सेल्स तक पहुंचाया जाता है, सेल्स में पहुंचकर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है और जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रेस्पिरेशन हम लोगों की बॉडी में होता है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस आप जानते ही हो, ये प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, ये तो आपने खूब देखा होगा कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो कर्ड से वापस आप मिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। देखिए जितने भी केमिकल प्रोसेस आपने यहाँ एग्जाम्पल्स देखे हैं इन सब में ये एक तरफा प्रोसेस होता है, इट मींस रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होकर जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा से पुराने रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, एक बार मैं रिवीजन करने के लिए इसको आपके सामने दिखा देता हूँ और आप इसको इसके रिवाइज कीजिए। अच्छा दूसरी बात, और जो बच्चे नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के तो वो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रिक्वेस्ट भेजकर फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मांग सकते हैं, तो मैं इस पर पोस्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।